है वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका फिर से हमारे एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और ठीक ही रहना चाहिए। तो आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि भाई हमें डेटॉल सॉप से नहाना चाहिए कि डेटॉल लिक्विड से नहाना चाहिए, जिससे हमें और भी ज़्यादा अच्छे बेनिफिट देखने को मिले। तो दोस्तों आ गए हैं आपकी कमेंट के ऊपर एक और वीडियो लेके। मैं आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक कवर करने वाला हूँ कि अगर आप डेटॉल सॉप से नहाते हो तो आपको कौन से बेनिफिट देखने को मिलेंगे, या डेटॉल लिक्विड से नहाते हो तो कौन से बेनिफिट या नेगेटिव असर देखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह से भाई आपकी तरफ से भाई से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप भाई के चैनल पर पहली बार आए तो चैनल का जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो घंटे का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस करके ऑल की नोटिफिकेशन करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब आप जान लीजिए कि आमतौर पर डेटॉल सॉप का इस्तेमाल हर एक इंसान नहीं कर सकता है, इसलिए डेटॉल लिक्विड को डेटॉल कंपनी ने मार्केट में लाया है। याद कर लीजिए भाई, डेटॉल सॉप का इस्तेमाल हर एक इंसान नहीं कर सकता। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि भाई डेटॉल सॉप का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो डेटॉल कंपनी है जो डेटॉल सॉप का इस्तेमाल मार्केट में कैसे हो रहा है। मैं आपको इस चीज़ का जवाब देता हूँ कि डेटॉल सॉप का इस्तेमाल हर एक इंसान कौन नहीं, ऐसे इंसान है जो नहीं कर सकते। जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है उन लोग को खास करके अलग अलग तरह के स्किन प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, उन लोग के जो डॉक्टर होते हैं खास करके इन्हें रिकमेंडेड करते हैं कि भाई डेटॉल सॉप का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, आपके स्किन को लेकर आपके स्किन सेंसिटिव है, इसलिए डेटॉल सॉप का इस्तेमाल ये भी नहीं कर सकते। सेकेंड है, जिन लोगों के बच्चे 6 साल से कम है, जिनकी एज 6 साल से जिनके बच्चों की एज कम है, तो वो डेटॉल सॉप का इस्तेमाल भी ना कराइए अपने बच्चों को, क्योंकि उसमें इस तरह के एंटीसेप्टिक एसिड पड़े होते हैं कि आपके बच्चों की स्किन को वो हार्म भी कर सकते हैं। थर्ड है, अगर कोई लड़की है उसकी एज 15 साल से कम है, 15 ईयर से उसकी एज कम है, तो डेटॉल सॉप का इस्तेमाल आप अपने फेस पे बिल्कुल भी ना कीजिए, क्योंकि इस दौरान में इस एज में आपके फेस की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको भविष्य में अलग अलग तरह के खामियाजा भी भुगतना पड़ सकते हैं। इसलिए अभी से ही आप इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए कि जिन लड़कियों की एज 15 साल से कम है डेटॉल सॉप का इस्तेमाल वो बिल्कुल खास करके ना कीजिए। अब ये तो मैंने आपको बताया कि डेटॉल सॉप का इस्तेमाल आपको कौन ऐसे लोग हैं किन की एज कम, एज के हिसाब से इन लोगों को अपने डेटॉल सॉप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब आता है डेटॉल लिक्विड। भाई डेटॉल लिक्विड का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको डेफिनेटली डेटॉल सॉप से रिलेटेड 99% आपको बेनिफिट एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। किस तरह का बेनिफिट देखने को मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। अगर आप डेटॉल लिक्विड का इस्तेमाल करते हो डेली, आप सुबह नहाने से पहले आप जो अपने पानी में 3 से 4 बूंद डेटॉल लिक्विड की डाल के आप नहाते हो, तो आपके बॉडी पे पसीना या जीव जंतु नाशक जो कीटनाशक होते हैं प्रदूषण बिल्कुल भी आपकी स्किन की परत पर इकट्ठा हुआ है, तो वहाँ से आपको डेटॉल लिक्विड वहाँ से उन सब जीवाणुओं को वहाँ से नष्ट कर देता है। सेकंड आता है हमारा, जिन लोगों को स्किन प्रॉब्लम है, बहुत लोग अलग अलग तरह के लोग हैं जिन्हें स्किन प्रॉब्लम देखने को मिलती है, स्किन प्रॉब्लम में खुजलियाँ हो जाती हैं या खुजलियों के दाग पड़ जाते हैं, ऐसे प्राइवेट पार्ट भी होते हैं जिस जगह पर खुजलियों के दाग होने के कारण से उन्हें अपने जीवन जो रूटीन होता है उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिलती है, इसलिए डेटॉल लिक्विड का से अगर आप स्नान करते हो तो आपको उस तरह की भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करने को मिलेगा, और आपको जो दाग पड़ चुके हैं खुजलियों के और खुजलियाँ होती है वो बिल्कुल धीरे धीरे समय के अंदर वहाँ से वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए आपको डेटॉल लिक्विड का यूज़ करते हो तो आपको ये भी बेनिफिट खास देखने को मिलता है। कई भी डॉक्टर से भी पूछ लीजिएगा आपको डेटॉल लिक्विड से ये खास करके बेनिफिट वो बताएंगे ही बताएंगे। अब तीसरा आता है एजलेस स्किन का मतलब है अगर आपकी एज 35 ईयर्स है, 35 साल अगर आपकी एज है लेकिन फिर भी आप डेटॉल लिक्विड का इस्तेमाल शुरू से ही करते आ रहे हो, 15-16 साल के बाद में अब एज के बाद में अपनी डेटॉल लिक्विड का आप इस्तेमाल करते आ रहे हो, तो भाई अगर आप डेटॉल लिक्विड का इस्तेमाल करते हो तो आपकी चमड़ियों में जो सिकुड़ जाती हैं अपनी एज को लेके, वो स्किन भी बिल्कुल नहीं सिकुड़ेगी। समय रहते मतलब 40 या 42 के अप हो गए तो आपकी सिकुड़ेगी, वहाँ डेटॉल लिक्विड भी यूज़ में काम में नहीं आता है, लेकिन आपकी एजलेस स्किन का कारण भी डेटॉल लिक्विड बन सकता है। आपके फेस पर अलग अलग तरह की प्रॉब्लम भी होती है, जैसे कि पिंपल्स, डार्क स्पॉट, ब्लैक स्पॉट, इस तरह के भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी अगर आप डेटॉल लिक्विड का इस्तेमाल अगर आप अपने डेली रूटीन में करते हो तो। खास करके ध्यान रख लीजिए, खास लास्ट में वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि आप डेटॉल लिक्विड का इस्तेमाल कीजिए अगर आपको और भी अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे ही। डेटॉल सॉप का इस्तेमाल हर जगह इंसान नहीं कर सकता, हर
लोग नहीं कर सकते, इसलिए डेटॉल लिक्विड को इस्तेमाल में लाया गया है मार्केट में। इसलिए खास करके ध्यान रखिए, अगर आपको स्किन प्रॉब्लम है अलग अलग तरह की, तो डेटॉल लिक्विड आपके लिए मोस्ट ऑफ मोस्ट डिमांडिंग अपॉर्चुनिटी है। आप उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए भाई, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ये साइंटिफिक रूप से प्रूफ भी हो चुका है, स्किन प्रॉब्लम के लिए डेटॉल लिक्विड बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो की जानकारी कैसी लगी, मैंने आपको वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक अच्छी तरह से बताया कि आपको डेटॉल लिक्विड से नहाना चाहिए कि डेटॉल सॉप से नहाना चाहिए, और किन लोगों को नहीं नहाना चाहिए, और किस तरह के बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की जानकारी कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके और भी लोग डेटॉल के शॉप से डेटॉल लिक्विड के बारे में जागरूक हो सके। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए भाई, अपनी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब के एक प्रेस से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। होता कुछ नहीं है, आपका बिल्कुल इसमें चार्ज लेस है, आप उसे प्रेस करके जरूर जाइएगा भाई, इसलिए प्रेस जरूर कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, तो धन्यवाद दोस्तों।